हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी तक। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और उसका मार्किंग स्कीम। जैसे कि आपने देखा कि पहला हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चैप्टर में मिला के ये आएगा हमारा 16 मार्क्स का। जनरली 8 मार्क्स के इलेक्ट्रोस्टैट्स और 8 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। दूसरा नेक्स्ट हमारा यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। ईएमआई, एसी और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये दोनों मिला के 17 मार्क्स का। जनरली आपका 8 मार्क्स का मैग्नेटिक इफेक्ट और 9 मार्क्स का ये एसी और ईएमआई होगा। नेक्स्ट आपका यूनिट है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स, ये दोनों यूनिट होगा आपका 18 मार्क्स का। नेक्स्ट हमारा है ड्यूअल नेचर एंड एटम न्यूक्लियर, ये दोनों यूनिट मिला के हमारा होगा 12 मार्क्स का। जनरली 7 मार्क्स का हमारा हो जाएगा ड्यूअल नेचर, हमारा ड्यूअल नेचर होगा और ये दोनों तीनों मिला के आपका 12 मार्क्स का होगा। ड्यूअल नेचर 3 या 4 मार्क्स का आएगा। एटम न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 5 मान के चलिए, 3-3 मार्क्स का एटम और ड्यूअल नेचर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमी कंडक्टर जो था आपका, ये सेमी कंडक्टर आपका होगा 7 मार्क्स का, इसमें 5 मार्क्स का जो फर्स्ट यूनिट आपका है वो रहेगा और सेकेंड यूनिट जिसमें लॉजिक गेट्स हैं वो 2 मार्क्स के आसपास आएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट्स का होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसे होता है। पहला आपका दिया हुआ है, इसमें जनरली आपको 3 तरह के क्वेश्चन होगा, 1 मार्कर क्वेश्चन होगा, 4 तरह के होंगे 1 मार्कर, जिससे वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स लॉन्ग और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। जो इसमें अब जो क्वेश्चन पेपर हमारा डिज़ाइन बनेगा उसमें पहला होगा रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अप्लाइंग, उसके बाद फोर्थ एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग, फिफ्थ होगा हमारा क्रिएटिंग। पहला हमारा जो टाइप होता है उसमें रिमेम्बरिंग होगा, जो रिमेम्बरिंग क्वेश्चन 2 होगा हमारा वेरी शॉर्ट 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 होगा हमारा 2 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल मिला के 9 मार्क्स का होता है। टोटल वेटेज का आपका 12% होगा, 12%। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग, उसमें आपका डेमोन्स्ट्रेट होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, इन सारे का मिला के आपका 6 मार्क्स का होगा। 1 मार्क के 6 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 और 2 होगा आपका 3 मार्क का और एक आपका होगा 5 मार्कर क्वेश्चन। टोटल मिला के 21 मार्क्स का इस तरह के क्वेश्चन होगा, जो टोटल का लगभग 30% आपका सिलेबस का होगा। नेक्स्ट है अप्लाइंग, जैसे सॉल्व द प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय द अप्लीकेशन बेस्ड, जैसे क्वेश्चन कहते हो आप, फैक्ट पे, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स पे एंड रूल्स इन द इन अ डिफरेंट वेज, अलग तरह के रूल्स में, इस तरह के 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 1 3 मार्कर और 2 होगा 5 मार्कर। टोटल होगा 23 मार्क्स का, 33% सिलेबस से अप्रॉक्स होगा। 4 टाइप्स हमारा होता है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग, एनालाइज करने के लिए आएगा, जिसमें आपको इवेल्युएट करने के लिए, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप जैसे एप्लीकेशन होगा आपका एग्जामिन एंड द ब्रेक इंफॉर्मेशन इन टू द पार्ट्स बाय द आइडेंटिफाइंग एंड द मोटिव ऑफ अ कॉजेस, किस रीजन से हो रहा है, तो उनमें भी 6 1 मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्क 2 1 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क का एंड 2 3 मार्कर क्वेश्चन। टोटल मिला के 14 मार्क्स का होगा और सिलेबस का लगभग 20%। नेक्स्ट होता है क्रिएटिंग, जिससे इंफॉर्मेशन बेस होगा आपका, डिफरेंट वेज ऑफ द कंबाइनिंग द एलिमेंट्स इन न्यू पैटर्न्स और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ये हमारा
एक होगा 3 मार्क का क्वेश्चन, टोटल हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही आएगा और 5% सिलेबस के अप्रॉक्स। टोटल देखा हमने 21 मार्क का क्वेश्चन होगा, 7 आपका 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 7 3 मार्क का क्वेश्चन और 3 होगा 5 मार्क का क्वेश्चन। देखा आपने टोटल मिला के 27 7, तो 37 क्वेश्चन आपका होगा और 70 मार्क्स का टोटल होगा। 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का होता है जो स्कूल में आप अभी तक हो गया होगा, और यही हमारा फिजिक्स के क्वेश्चन डिजाइन है। अगले वीडियो में आपको केमिस्ट्री का बताऊंगा मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिजाइन क्या है। थैंक यू। वीडियो पसंद आने पे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट इसका दिलाइए। थैंक यू।